प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम B.ed सेकेंड ईयर की पाठ्य पुस्तक अधिगम हेतु आकलन के अंतर्गत इकाई पढ़ रहे हैं। फर्स्ट आकलन की अवधारणा की सामान्य व्याख्या। आप सभी को इस इकाई का नाम तो याद हो चुका होगा, फर्स्ट इकाई का। इसमें हमने प्रकरण के अंतर्गत हमने मापन मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था। मूल्यांकन और मापन में अंतर पड़ा है और मापन के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इसी के साथ आज हम नया टॉपिक कैसे स्टार्ट करते हैं, इसी के अंदर वह है अधिगम के लिए आकलन क्या होता है। अधिगम के लिए बताया गया है कि इसी प्रकार गुरु द्वारा
अपने गतिविधियों में कौशलों को सिखाने की विधियों को मुख्य बनाया था। गुरु द्वारा जैसे कहा मैंने अपनाई है। वो शिक्षण विधि के माध्यम से मैं औरों को कितना से जान सकूं,
समझा सकता हूँ, मैं उनको किस लेवल पर गाइड कर सकता हूँ, इस प्रक्रिया को समझाने के लिए हमें गुरु की अनुकरण करना बहुत ही जरूरी है। तो इस टॉपिक का मतलब है कि अधिगम के लिए हमें सीखने के लिए मतलब हमें किस प्रकार की शिक्षा को देखना चाहिए और उसके अंदर आकलन की अवधारणा। एक गुरु चाहता है कि मेरे करते हुए कार्यों को सीखने के लिए विद्यार्थी तत्पर है, और विद्यार्थी चाहते हैं कि अध्यापक के द्वारा जो कार्य किया गया है उस कार्य के अंदर हम अपने आप को नौछावित करके, अपने आप को समर्पित करके उस कार्य के अंदर सफलता हासिल करने की कोशिश करते हैं। यही एक अधिगम के लिए आकलन की अवधारणा को समझाया गया। इसके अंदर आगे और टॉपिक है, उसको समझाया जाएगा अगले वीडियो के माध्यम से। आज के लिए।